नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। परिवहन विभाग की सड़कों पर अवैध वसूली किसी से छिपी नहीं है। यहां पर परिवहन विभाग के अधिकारी गश्त के नाम पर परिवहन विभाग के नाम को बदनाम करने से पीछे नहीं हटते। ऐसा ही एक वाक्य बूंदी से सामने आया है। यहाँ खुद मंत्री ने परिवहन विभाग की गाड़ी को चौथ वसूली करते हुए पकड़ा है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा ने बूंदी जिले के बल्लोप के पास कोटा परिवहन विभाग के अधिकारी को ट्रकों से अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। मौके से ही मंत्री ने पूरी घटनाक्रम को पहले देखा, फिर गाड़ी से उतरकर कार्यवाही की। मौके से मंत्री ने अवैध चौथ वसूली की राशि लेकर खुद कोटा चले गए और परिवहन निरीक्षक चंद्रशेखर को सस्पेंड कर दिया। यहाँ पर कुछ हुआ यूं कि प्रदेश के खाद्य मंत्री रमेश मीणा जयपुर से कोटा जा रहे थे। इसी दौरान बूंदी जिले के बल्लोप गांव फोर लाइन पर पहुंचे, जहां पर कोटा परिवहन विभाग की उड़न दस्ता ट्रकों को रुकवा कर अवैध वसूली की जा रही थी। यह दृश्य मंत्री रमेश मीणा ने खुद देखा तो हैरान रह गए। ऐसे में मंत्री रमेश मीणा ने खुद गाड़ी रुकवा ली और काफिला रुकते ही परिवहन विभाग की टीम ने हाथ में लिए गए वसूली के पैसों को झाड़ियों में फेंक दिया। मंत्री ने यह दृश्य देखा तो खुद झाड़ियों में गए और अवैध वसूली की राशि को उठाकर ले आए। वहीं सबके सामने उन्हें गिना तो राशि 8,000 रुपए थी, जो विभाग के अधिकारी ट्रकों से अवैध वसूली के रूप में वसूलते थे। मौके पर 3 से 4 ट्रक खड़े हुए थे, साथ में उनके चालक भी थे। मंत्री के रुके इस काफिले के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। उधर मंत्री मीणा ने अवैध वसूली पर कर्मचारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई, साथ ही उचित कार्यवाही की बात कही। कार्यवाही का नाम लेते ही अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे के बगल झांकने लगे और अपनी गुनाह की माफी मांगते हुए नजर आए, जिस पर मंत्री ने साफ मना कर दिया कि राजस्थान में परिवहन विभाग की चौथ वसूली हम नहीं चलने देंगे और लगाम लगाने के लिए परिवेश सरकार तत्पर है। उन्होंने कहा कि अगर आज कार्यवाही नहीं हुई तो परिवहन विभाग लगातार सड़क पर वसूली करता रहेगा। उन्होंने कहा कि उड़न दस्ते के चंद्रशेखर शर्मा और चालक ने सड़क पर गुंडागर्दी मचा रखी है। यहां सड़कों पर लाठी डंडों से यह वसूली कर रहे थे। बता दें कि जब कोटा परिवहन विभाग उड़न दस्ते की टीम ने कोटा बल्लोप फोर लाइन पर गश्त की हुई थी, तो उस वक्त इंस्पेक्टर चंद्रशेखर गश्त पर थे। वहीं मौके पर ही उच्च अधिकारी से बात कर इंस्पेक्टर चंद्रशेखर को सस्पेंड कर दिया गया। मंत्री रमेश मीणा ने पूरे मामले को एसीबी से भी जांच करवाने की बात कही है। अरे वीडियो बनाओ, बन रहा है ऊपर आयो, ऊपर मोबाइल पकड़ो एक ना भैया, जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।